Are you able to see my screen? Hopefully yes. Yes. Okay. Let me start the video then. It's very easy. अगर कुछ भी समझ में ना आए आप प्लीज हाथ खड़ा कर देना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पता नहीं चल रहा है. मैं आपको वो बताऊंगी सिखाऊंगी. ओके एज इट इज ये आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आए इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ. 1, 2, 3 स्टार्ट. In macroeconomics, we study the economy of one country. Then try to understand how two countries interact and trade, and hopefully understand the global economy. So today, we are going to study the circular flow of income. Let's make things really simple. Imagine we are alone on an isolated island. There's no government, no trade, no savings. क्या बता रहे हैं कि ऐसा इमेजिन करो कि आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पे जहां पर कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, ट्रेड मतलब व्यापार नहीं है, सेविंग्स नहीं है. I told you, it's simple. There's only firms and households. Firms provide households with goods and services. Out of dinner? Nah. Firms gotta get factors of production from households. It can be labor, land, capital, or face it. Some of us in households are going to be entrepreneurs. So, entrepreneurship. ओके सो लास्ट टाइम जब तक मुझे याद है मैंने आपको ये पढ़ाया था कि देर आर टू फैक्टर्स इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं मार्केट में. अब देखो मार्केट इज नॉट लाइक हम जहां जैसे सब्जी लेने के लिए दापोली मार्केट में जाते हैं या फिर एनी अदर विलेज के मार्केट में जाते हैं. दैट इज नॉट अ मार्केट वी आर टॉकिंग हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट एज इन जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होता है. एम आई क्लियर? डू यू नो व्हाट इज मार्केट नाउ? मार्केट इज wherever buying and selling happens. दोनों को भी buyer और seller को होना वहां पर physically नहीं mandatory है. In the sense, जैसे कि online online shopping में क्या करते हो आपको आप buyer हो तो क्या आपको seller दिखता है? नहीं दिखता आपको seller. तो उसका presence जरूरी नहीं है आपके purchase के लिए. आपके सामने physical presence होना जरूरी नहीं होता लेकिन फिर भी हम उसे online market बोलते हैं. तो मार्केट इज अ वन प्लेस और इट्स नॉट अ प्लेस इट्स अ एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर. ओके सो मार्केट इज द एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर वेयर बायर बाइज समथिंग सेलर सेल्स समथिंग टू द बायर एंड द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. एक दूसरे से अंडरस्टैंड करके ट्रांजैक्शन होता है. आई गेस आपको मार्केट क्या है पता चला होगा. अब क्या है क्लोज्ड इकोनॉमी में मतलब जहां पर इंटरनेशनली कुछ भी चल नहीं रहा है जहां पर गवर्नमेंट नहीं है कुछ नहीं है बेसिक मॉडल है वहां पर सिर्फ दो लोग रहते हैं. ओके एक है जिनको हम बोलते हैं फर्म्स जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं. आइदर वे गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे हमारे आसपास जो भी गुड्स रहते हैं वो या फिर वो सर्विसेस मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे बैंकिंग सर्विसेस पोस्टल सर्विसेस. ऑल दोस दे आर कॉल्ड एज फर्म्स. Are you okay with firms? What is firm? Do you know now? Hopefully, yes. अगर आपको कुछ भी मतलब उसमें शंका है आशंका है please raise your hand. Okay? And the second part is called as households. मतलब हमारे घर. तो हमारे घर में क्या होता है हम consumers रहते हैं right? Consumers मतलब क्या जो चीजों को या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं. हम बैंकिंग सर्विस यूज करते हैं हम टैक्सी सर्विस यूज करते हैं जैसे कि उबर ओला हम फूड डिलीवरी सर्विस यूज करते हैं. तो जो प्रोवाइडर है वो सर्विसेज के दे आर कॉल्ड फर्म्स. जो बायर है जो कंज्यूमर है दे आर कॉल्ड हाउस होल्ड्स. ओके लेकिन ये रोल सिर्फ इतना ही मैंडेटरी नहीं है कि फर्म्स प्रोवाइड करेंगे हाउस होल्ड लेंगे. ये रोल थोड़ा आगे जाता है और ऐसे होता है कि ये फर्म्स को भी कुछ ना कुछ कैपिटल लगता है. कैपिटल के बिना कुछ नहीं होता. तो हमें लेबर लगता है कुछ भी प्रोडक्शन के लिए लैंड लगता है कैपिटल लगता है. आप हम
आप हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमें पता है लेबर क्या होता है, लैंड क्या होता है, कैपिटल क्या होता है. इज देर एनीबडी हु डजंट नो दीज थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के लिए जरूरी फैक्टर्स, दैट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्या किसी को याद नहीं है या फिर कुछ कंफ्यूजन है इनमें? ओके, सो लेबर, लैंड और कैपिटल तो हमें पता है, लेकिन ये तीन चीजों को जो कंपाइल करता है, मतलब एक साथ ले आता है और उससे कुछ चीजें बनाता है या फिर गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विसेस रेंडर करता है. सर्विसेस रेंडर करना मतलब सर्विसेस प्रोवाइड करना. तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो आदमी औरत एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस वूमन करता है, ही इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रिन्योर. ओके, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं. फ्रेंच में शायद एंटरप्रिन्योर बोलते हैं, इसलिए हम भी एंटरप्रिन्योर बोल सकते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में एंटरप्रिन्योर. ओके, और इसका जो काम है उसे बोलते हैं एंटरप्रिन्योरशिप. तो ये सब फैक्टर्स को मैनेज करना, कुछ आउटपुट निकालना, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रिन्योरशिप या एंटरप्रिनरशिप. ओके, होपफुली आपको ये समझ में आया है. कैन एनीबडी जस्ट टेल मी हाउ दिस टू एरोज वी कैन सी एंड एक्सप्लेन? कैन एनीबडी प्लीज, लेट्स सी इफ एनीबडी कैन एक्सप्लेन दैट टू मी. फातिमा, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? ओके, आर यू एबल टू हियर मी? अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा. श्रद्धा, ओके, जब तक आप मुझे, आप में से कोई मुझे बताता नहीं है, मैं आपको आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी. सो यू बेटर स्टार्ट टॉकिंग. ओके, एनीबडी, आर यू देयर? ओके, आई एम जस्ट स्टॉपिंग माय लेक्चर हियर बिकॉज इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. यू नो दैट राइट? आर यू देयर और आर यू जस्ट लॉगिंग इन? ओके कीर्ति, यस प्लीज. लैंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप हे प्रोवाइड करतो हाउस होल्ड फर्म्स ना, आणि फर्म्स कडून आपल्याला आणि सर्व्हिसेस मिळतात. वेरी गुड. सो देर आर लाइक टू फॅक्टर्स, हे लक्षात येत आहे कीर्ती? वेरी गुड, यू कॅन जस्ट ड्रॉप युअर हँड. व्हेरी व्हेरी गुड. आणि आय गेस मला असं वाटतं की तुम्ही जर मला उत्तर, वेलकम, तुम्ही जर उत्तर देत नसाल तर मला असं लक्षात येईल की तुम्हाला हे लक्षात येत नाहीये. सो मला तुम्हाला परत परत सांगायला लागेल, तुमचा पोर्शन पुढे जाणार नाही. सो बेटर पे अटेन्शन, दिस इज नॉट द रेग्युलर लेक्चर. मुझे आपसे आंसर की जरूरी है और आपको आंसर देना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं बड़े बड़े असाइनमेंट्स दूंगी जो आपको बहुत सारे दिनों तक करने पड़ेंगे. इज दैट फेयर फॉर यू? नो, आई नो यू शुडंट डू दैट मच हार्ड वर्क, यू शुड डू स्मार्ट वर्क. और स्मार्ट वर्क क्या है, जो भी मैं पूछ रही हूँ मुझे बता दो, सो दैट मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है. ओके ओके, सो ये दो चीजें जो मुझे बतानी थी. देर आर टू फैक्टर्स, फर्म्स एंड हाउस होल्ड. फॉर फ्री यू विश, वी डोंट गेट फ्रीबीज फ्रॉम फर्म्स, वी डोंट प्रोवाइड लेबर फॉर फ्री आइदर, सो देयर्स मनी फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये सब चीजें फ्री में नहीं मिलती, हमें सब कुछ आइदर वे, जो भी हम खरीदते हैं पैसे देने पड़ते हैं. और अगर हम एज अ हाउस होल्ड कहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब किसी को लेबर, लैंड, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमें उसके लिए पैसे मिलते हैं. अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, जैसे कि टीचर्स को सैलरी मिलती है. अगर कोई शॉप में काम कर रहा है तो उनको सैलरी मिलती है. अगर कोई खेत में काम कर रहा है तो उनको डेली वेजेस मिलते हैं, जिसको मराठी में हम मजूरी बोलते हैं, राइट? या फिर अगर कोई बैंक में काम कर रहा है तो उनको सैलरी मिलती है. अगर एंटरप्रेन्योर है, मतलब खुद बिजनेसमैन है, तो उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको प्रॉफिट मिलता है. सो प्रॉफिट इज लाइक हिज और हर सैलरी. तो ये जैसे कि ये फ्लो था, फर्म से गुड सर्विसेज हाउस होल्ड में आ रहे थे और हाउस होल्ड से फर्म तक जा रहे थे, तो ये फ्लो के
एग्जैक्टली अपोजिट मनी फ्लो होता है. मतलब हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म्स को गुड्स एंड सर्विस के लिए मनी, तो हम पैसे देते हैं हमें गुड्स एंड सर्विस मिलते हैं. एंड एग्जैक्टली अपोजिट जब हम लेबर लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं एज अ हाउस होल्ड, तो हमें फर्म्स से पैसे मिलते हैं, सैलरी वेजेस, लैंड के लिए रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट, ये चार तरीके से. ओके तो ये फ्लो के साथ हम बोलते हैं इसको, अगर हमें पैसे मिलते हैं फ्रॉम लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप वो हमारा इनकम हो गया, और अगर हमें पैसे एज अ हाउस होल्ड देने पड़ते हैं तो वो हमारा हो गया एक्सपेंडिचर. ये हो गया वन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ थिंक अबाउट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. जब भी हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जब भी उनको पैसे देने पड़ते हैं, मतलब सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे देना और कुछ भी तरीके का एक्सपेंडिचर, वो उनका एक्सपेंडिचर है, राइट? उनका स्पेंडिंग है, बिजनेस का, फर्म्स का स्पेंडिंग है. लेकिन जब भी हम कुछ उनसे खरीदते और उनको पैसे देते हैं, दैट बिकम्स देयर इनकम. इन अ सिंपलर वर्ड्स, जो हमारा इनकम है एज अ हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड वालों का इनकम फर्म्स वालों का एक्सपेंडिचर होता है, और फर्म्स वालों का एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के लिए इनकम रहता है, और वाइस वर्सा, हमारे लिए हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंडिचर वो फर्म्स के लिए इनकम रहता है, और फर्म्स के लिए जो भी इनकम है वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है. इट्स अ वाइस वर्सा. ओके, हाउसहोल्ड्स गॉट टू पे फर्म्स फॉर द गुड्स दे गेट, फर्म्स आल्सो गॉट टू पे हाउसहोल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स. अभी मैंने आपको बताया था, तो अगर आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो फर्म्स को तो उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलता है, वेजेस या फिर सैलरीज. ओके, लैंड प्रोवाइड कर रहे हो तो लैंड के लिए मिलता है रेंट. ओके, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको मिलता है इंटरेस्ट. सो डिविडेंड, इंटरेस्ट, ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड, कैपिटल पे जो इनकम है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट. एंड अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको आपको जो पैसे मिलते हैं रिटर्न में फर्म्स से, उनको बोलते हैं प्रॉफिट्स. But this is a little weird. We don't spend everything we earn in real life. So let's add savings. Savings is money we don't spend. Okay. So let's go back for a second. And अभी के लिए PPT में क्या लिखा है वो देखते हैं. Okay. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? हमने क्या देखा? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Hopefully, अगर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, please just don't log in. क्योंकि आप अगर सिर्फ log in कर रहे हो तो मुझे समझ में आता है. और that's not useful for you. और even आज के लिए attendance भी बहुत कम है. सिर्फ 12 लोग हैं. हाँ, पिछले वाले lectures में ज्यादा लोग थे. Yes, ma'am. आशना, ज्यादा लोग थे? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. We'll see that. Okay, let's see about the circular flow of income and expenditure. I'll read every sentence and I'll explain it. In a two-sector economy, मतलब दो सेक्टर वाली इकोनॉमी में, the sum total of factor incomes earned by the household, मतलब जितना भी household income लेता है ऑल फोर फैक्टर्स से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सबसे जो भी इनकम मिलता है इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. वो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, देयर एग्जिस्ट विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस, मतलब हम उससे पैसे ज्यादा इनपुट करना और उससे पैसे निकाल लेना, ये भी हो सकता है. विच प्रिवेंट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मनी फ्रॉम रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. और इसलिए क्योंकि वहां पर विड्रॉल होता है, हम पैसे निकाल सकते हैं हमारे खुद के लिए, सेविंग्स कर सकते हैं. नॉट एग्जैक्टली हम सब कुछ, मतलब जितने इनकम आता है उतना सब कुछ हम वेस्ट नहीं करते, उतने सबसे हम स्पेंडिंग नहीं करते,
कुछ सेव कर लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए अगर है, कुछ फ्यूचर प्लान्स के लिए, कुछ सपनों के लिए, जो भी कुछ है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो हम सेव करके रखते हैं, और इसकी वजह से ये सर्कुलर फ्लो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता. द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज थ्रू टैक्सेस. तो गवर्नमेंट को कैसे रेवेन्यू मिलता है, कैसे इनकम मिलता है, थ्रू टैक्सेस. द गवर्नमेंट मे फॉलो बैलेंस्ड डेफिशिट और सरप्लस बजट, और ये फ्लो मेंटेन के लिए गवर्नमेंट क्या क्या फॉलो कर सकता है, अपना जो बजट आता है उसमें वो आइदर बैलेंस्ड बजट रख सकते हैं, डेफिशिट मतलब जहां पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो लेकिन इनकम कम हो, ऐसा हो सकता है, या फिर जहां पर गवर्नमेंट का सरप्लस ज्यादा हो मतलब गवर्नमेंट का इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम, सो दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट. अ फ्लो ऑफ इनकम मे एग्जिस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द कैपिटल मार्केट. तो ये इनकम का फ्लो कैसे एग्जिस्ट करता है गवर्नमेंट सेक्टर और कैपिटल मार्केट के बीच में. द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लुएंस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इसे अलग वाला मॉडल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर मतलब ओपन इकोनॉमी का मॉडल, हम देखने वाले थोड़ी थोड़ी देर में. ओके, तो लेट्स सी दिस डायग्राम एंड आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन दिस अगेन. ओके, फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेस हाउस होल्ड को मिलते हैं, और उसके लिए हाउस होल्ड उनको ये जो पैसे है वो रिटर्न करते हैं. सिमिलरली हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप फर्म्स को देते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स, और उसके अगेंस्ट फर्म्स हाउस होल्ड्स को वेजेस, इनकम, सैलरीज, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स एटसेट्रा प्रोवाइड करती है. ओके, सो लेट्स सी कि इसके लिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज है, हम वो देखते हैं. ओके, द एसेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. टू सेक्टर मतलब फर्म्स एंड हाउस होल्ड. एक सेक्टर क्या है, फर्म, दूसरा क्या है, हाउस होल्ड. तो टू सेक्टर इकोनॉमी वेर देर इज नो गवर्नमेंटल एक्टिविटी एंड इकोनॉमी इज क्लोज्ड वन, मतलब गवर्नमेंट नहीं है और इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं है, ऐसे वाले एक्टिविटी में इनकम कैसे बोलते हैं हम, इनकम इज अ वाई. ओके, सो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, वेर सी इज अ प्राइवेट कंजम्पशन, वाई इज अ इनकम एंड आई is an investment spending. Okay, so that is why मतलब income है. Okay, मेरा आपका कुछ भी ये होगा आपका income. Okay, कैसे भी तरीके से आपका आए, that is called income. और income कैसे आता है, one second. Okay, let me check you, somebody has sent me the message. Yes, let me tell you what is C. Okay, so C is the private consumption spending. That means हम जो privately consume कर रहे हैं, that is called C. जो भी आप खाने पीने के लिए चीजें खरीदते हो तो उसे बोलते हैं consumption expenditure. C अपने खुद का consumption के लिए आपके जो भी पैसे जाते हैं, net pack, mobile खरीदना, चावल खरीदना, कुछ भी, पेट्रोल, डीजल, वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर योर ओन कंजम्पशन, हमारे खुद के लिए जो भी कंज्यूम करने के लिए हम स्पेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सी. और आई इज द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग. क्या आपको वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई का मीनिंग समझ में आ रहा है, एनीबडी? कैन यू टेल मी व्हाट इज वाई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई? वाई क्या है, सी क्या है, आई क्या है, आपके सामने आप मुझे बता सकते हैं पढ़ के भी, या फिर आपको क्या समझ में आ रहा है? Y is income. Okay. C is private consumption. Yes. And I is private investment. Correct. तो private investment मतलब आप खुद से, या फिर आपके पापा, आपकी मम्मा अगर mutual fund में invest कर रहे हैं, share में invest कर रहे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. याद रखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए, जहां पर गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है. हमारे पास क्या है, सिर्फ दो सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड्स, दूसरा है फर्म्स, राइट? यहां तक समझ में आ रहा है?
ओके लेट्स सी थ्री सेक्टर में क्या होता है, मतलब एक सेक्टर ऐड हो जाएगा. इन द थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है लेकिन एक सेक्टर बढ़ गया है, तो ऑलरेडी फर्म्स है, हाउस होल्ड्स है, उसमें एक सेक्टर ऐड होगा, द गवर्नमेंट इंटरवीन्स, मतलब एक गवर्नमेंट वाला सेक्टर ऐड हो जाता है. इट स्पेंड्स नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अ जनरल पीपल, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ लोगों के लिए मतलब जनरल पीपल के लिए स्पेंड नहीं करता, मतलब रोड बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, सिर्फ इसके लिए गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करता. एंड फर्म्स बट ऑल्सो इम्पोजेस टैक्सेस ऑन देम टू फाइनेंस इट्स स्पेंडिंग, मतलब क्या करता है, गवर्नमेंट हम पर टैक्स लगाता है सो दैट इट कैन कलेक्ट इनकम, और ये इनकम के साथ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम करता है. इफ वी एड गवर्नमेंट एक्टिविटीज दैट इज लिवाइंग टैक्सेस टी एंड इनकरिंग एक्सपेंडिचर्स जी, वी हैव वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो जो खर्चे करता है वो एड हो जाते हैं इनकम के इक्वेशन में. तो पहले हमें सिर्फ y इज इक्वल टू सी प्लस आई मिला था जब टू सेक्टर इकोनॉमी थी. टू सेक्टर में क्या थे, फर्म्स थे, हाउस होल्ड थे, ये दो चीजें थी. अब जब गवर्नमेंट थर्ड एड हो चुका है तो हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एज अ जी एड कर रहे हैं, इसलिए वी हैव इक्वेशन इनकम दैट इज y इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन प्लस private investment spending plus government expenditure. Are you getting it? Three sector mein? Can anybody tell Hello, me? Hello, ma'am. Yes. G par in kara. G ka meaning kya hai, right? Yehi aap puch rahe ho? Both. Okay. Haan. Let me tell you. Haan. So G is the government expenditure. गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को पालने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर मतलब जो भी स्पेंडिंग करता है, जो भी खर्चे करता है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. और टू सेक्टर के इकोनॉमी में हम जब गवर्नमेंट को ऐड कर रहे हैं और इट इज बिकमिंग थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी. ओके, टू सेक्टर में जब एक सेक्टर ऐड किया वो सेक्टर था गवर्नमेंट वाला, पहले दो थे फर्म्स हाउस होल्ड, उसमें एक सेक्टर ऐड किया दैट वाज गवर्नमेंट सेक्टर, और इसके लिए गवर्नमेंट को ऐड किया तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी ऐड हो गया, इसलिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. ओके, अब आपको ये क्वेश्चन पूछना है, ये सब अगर एक्सपेंडिचर है तो हम ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि y दैट इज इनकम इज इक्वल टू थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट? दैट शुड बी अ क्वेश्चन हियर. एंड जो आपने मुझे पूछा नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ, हमने पहले ही देखा कि एक के लिए इनकम, दूसरे के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर. इसीलिए अगर हम इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते इंडिविजुअली तो हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी एक्सपेंडिचर की टोटल होगी उतना ही इनकम होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जब आप प्राइवेट कंजम्पशन कर रहे हो, आप जो भी खरीदोगे उसका पैसा आप किसी को दोगे तो वो किसी के लिए इनकम हो जाएगा. अब जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो पैसा आप किसी के लिए कहां पर भी तो इन्वेस्ट करोगे, कहीं पर डिपॉजिट करोगे, बैंक या फिर कुछ अलग कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज, पोस्ट एटसेट्रा, तो वो होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उनके लिए वो इनकम रहेगा. और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहेगा, गवर्नमेंट जिनको जिनको पैसे दे रहा है, मतलब अगर गवर्नमेंट इजीली सैलरी दे रहा है उनके एम्प्लॉयज को, तो उनकी जो सैलरी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इनकम बनेगा. गवर्नमेंट ने अगर रोड बनवाया तो रोड जो बांध रहे हैं, जो वर्कर्स है उनको पैसे देगा, तो वो जो पैसे होंगे वो वर्कर्स के लिए वेजेस होंगे, उनके लिए इनकम होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंडिचर को टोटल करेंगे और जितनी भी एक्सपेंडिचर की टोटल होगी उतना ही टोटल इनकम रहेगा, क्योंकि टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर. एक के लिए इनकम, दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर रहता है, इसीलिए. आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? यस. ओके, कूल. होपफुली अगर आपको यहां तक पता चल रहा है तो मैं आगे जा रही हूँ. ओके, अ फोर सेक्टर इकोनॉमी इज कॉल्ड एन ओपन इकोनॉमी
in the sense that the country gets money by sending its one sec okay a four sector economy is called open economy in the sense जब भी चार सेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उसको क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं बोलते कि उसको ओपन इकोनॉमी बोलते क्योंकि इन द सेंस दैट द कंट्री गेट्स मनी बाय सेंडिंग इट्स गुड आउटसाइड तो कंट्री को पैसे कैसे मिलते हैं फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में या फिर फोर्थ सेक्टर इंट्रोड्यूस करके कंट्री के जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं गुड्स जो भी हम बना रहे हैं वो हम बाहर भेज देते हैं कंट्री के बाहर दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड करके ओके दैट इज एक्सपोर्ट जो भी हम बनाते हैं और सॉरी जो भी हम बनाते हैं और बाहर बेचते हैं वी कॉल इट एज एक्सपोर्ट एक्स एंड वी स्पेंड मनी बाय बाइंग फॉरिन मेड गुड्स एंड सर्विसेस और हम कैसे पैसे स्पेंड करते हैं हम फॉरेन में बने हुए गुड्स यहाँ पर खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट्स एम Easy आपके लिए example है आपके मोबाइल फोन्स जनरली सब टाइप के मोबाइल फोन्स बाहर के कंट्रीज में बनते हैं इंडिया में आते हैं तो दे आर कॉल्ड इम्पोर्ट्स क्योंकि आप जो पैसे देते हो वो किसी बाहर के कंट्री वालों को मिलते हैं ओके और जैसे कि हमारे यहाँ आम बनते हैं या फिर और कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ बनती है चावल बनता है व्हीट बनता है दैट इज गेहूं ये सब हम प्रोड्यूस करके बाहर बेचते हैं बाहर बेचकर हम उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स एक्स और इसलिए देयर ऑकर्स ट्रेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन नेशन मतलब व्यापार वाली रिलेशन बनती है दो कंट्रीज में या फिर उससे ज्यादा कंट्रीज में द सर्कुलर फ्लो मॉडल इन अ फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी हैज बीन शोन विद एडिशन ऑफ एक्स माइनस एम तो फोर्थ सेक्टर हम कैसे दिखा रहे एक्स मतलब एक्सपोर्ट एम माइनस इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा इनकम है एम मतलब इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट से हम अगर इंपोर्ट माइनस करें तो मतलब एक्सपेंडिचर से सॉरी इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बनता है यस जस्ट गिव मी अ मिनट ओके आई विल चेक व्हाट डू यू हैव टू से यस यस एंटी दैट्स रियली करेक्ट जाहिद वेरी गुड हम टी भी एक्सपोर्ट करते हैं आसाम टी अगर आपको पता है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हमारी एक्सपर्ट ही है टी एक्सपोर्ट करने में वेरी गुड वेरी वेरी गुड तो ऐसे जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उससे इनकम मिलता है और जो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट लेने के लिए क्या करते हैं हम एक्सपोर्ट से दैट इज हमारे इनकम से हमारे एक्सपेंडिचर्स माइनस कर लेते हैं दैट इज इम्पोर्ट्स माइनस कर लेते हैं आपको पता चल रहा है जैसे कि आप अकाउंट्स में आपके इनकम से याद करो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आप क्या करते हो जहां पर सेल्स रहते हैं राइट तो सेल्स से क्या करते हो आप आपके क्रेडिट साइड से आपकी डेबिट साइड माइनस कर लेते हो राइट तो आपको क्या मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट वैसे ही हम जब x से m माइनस कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉफिट मिलता है जो प्रॉफिट होता है इंटरनेशनल ट्रेड पे ओके इंटरनेशनल ट्रेड पे जो भी प्रॉफिट होता है वो भी हमारा इनकम है एज अ कंट्री इसीलिए हम बोलते हैं y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m क्या आपको ये समझ में आ रहा है होपफुली एनीबडी कुछ आपको प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रहा यस yes? समझ में आ रहा है Yes. Very good. So now let's see कि बाकी की जो वीडियो बची थी उसमें हम क्या हमें कुछ अलग से दिखता है वो देखते हैं ओके just give me a minute. Yes. But before that, let's see what are the importances of circular flow. तो जब भी हम circular flow of income को पढ़ते हैं अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है इसको हमें क्लियर पिक्चर मिलता है इकोनॉमी का जैसे कि हमारे इकोनॉमी में एक्चुअली कितना प्रोड्यूस हो रहा है हम कितना खर्चा कर रहे हैं हमारा कितना इनकम है
क्या हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, क्या हमारे इम्पोर्ट्स ज्यादा है, क्योंकि हमेशा ऐसा बोला जाता है एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट इज अ इनकम, और इम्पोर्ट्स कम होने चाहिए क्योंकि इनकम इज अ इम्पोर्ट इज अ एक्सपेंडिचर. तो हमारे हमेशा हम ऐसे ही बोलते हैं, हमारा इनकम ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए. तो ये सब के बारे में हम जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है. नेक्स्टली वी कैन सी द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी. हम देख सकते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है. अगर नहीं कर रही है तो कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब पता चलता है अगर एक्चुअली हमने ये पढ़ा तो. सो गाइडेंस इन रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हर एक मार्केट में डिमांड और सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम बनता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आते हैं. जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाता है तब वो पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. तो हमें हर बार क्या होता है, बहुत सारे एक्सटर्नल चीजों की वजह से, जैसे टैक्स बढ़ना, वॉर होना, मतलब ड्रॉट होना, मतलब महामारी, भूखमारी, पैंडेमिक जैसे प्रॉब्लम, या फिर दुष्काल, फ्लड्स, हेवी रेनफॉल्स, ये सब की वजह से इकोनॉमी का बैलेंस हट जाता है. तो बैलेंस हटता है मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम ढल जाता है, इक्विलिब्रियम नहीं रहता. तो हम रिस्टोरेशन करते हैं इक्विलिब्रियम का, और वो करने के लिए हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना पड़ता है. देन इट हेल्प्स टू फाइंड लीकेजेस. क्या लीकेजेस है, कहां पर एक्चुअली चीज क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम, राइट. तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू टोटल इनकम, देन कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों इम्बैलेंस हो रहा है, कहां पर लीक हो रहा है पैसा. और अगर हो रहा है लीक, क्योंकि हमेशा तो होता ही रहता है, तो ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या इट इज अ गुड कॉज और इज इट अ बैड कॉज. ओके, देन देयर इज अ हाइलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसीज, दैट इज फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज फॉर इक्वालिटी इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसीज हमें बताता है कि आज जो हमारे कंट्री में फिस्कल और मॉनिटरी, ये दो पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जो दो पॉलिसीज बन रहे हैं, क्या दे आर गुड इनफ फॉर अस. ओके, एंड देन कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ इकोनॉमीज परफॉर्मेंस, मतलब एक्चुअली ओवरऑल इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, इसके बारे में हम इससे पढ़ सकते हैं. तो डेफिनेटली अभी के लिए आपको बहुत बेसिक वाला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जो मैंने आपको बताया, और मैं आज आपको उसके नोट्स भी दूंगी. तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, दैट वॉज लाइक फर्स्ट चैप्टर, तो मैं उसका सबके नोट्स आपको दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. आपको वो अपने खुद के नोट्स में लिखना है और मुझे बनाना है, मुझे भेजना है. मैं आपको असाइनमेंट क्रिएट करूंगी क्लासरूम पे और आपको मुझे वो भेजने. ओके, मुझे पता है आपकी अटेंडेंस बहुत कम है, तो प्लीज मेक श्योर आपके फ्रेंड्स को बताओ कि आपको क्लास में आना है, वरना प्रॉब्लम हो सकता है. आई नो देयर माइट बी सम नेटवर्क इश्यूज, लेकिन फिर भी ट्राई टू ज्वाइन द क्लास. बट लेकिन आप तो खुद ही ज्वाइन हुए हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको बताने की चीज है. ओके, होपफुली मैंने जो आपको इम्पोर्टेंस बताया, इज देयर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन अमंग इट. ओके, सो लेट्स रिवाइज फॉर वन मिनट. जब भी टू सेक्टर का मॉडल है, फर्म्स हाउसहोल्ड, तो इनकम कैसे काउंट करते हैं, इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, y इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. देन जब थ्री सेक्टर का मॉडल है, फर्म्स हाउसहोल्ड और एडिशनली गवर्नमेंट सेक्टर, ये तीन का जब मॉडल है, तब हम बोलते हैं इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर c प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर i प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर g, c प्लस i प्लस g. ओके, और जब पूरे के पूरे फोर सेक्टर मॉडल है, दैट इज ओपन इकोनॉमी है, अब जब हमने इंटरनेशनल ट्रेड इंट्रोड्यूस किया है, तो हम बोलते हैं y, दैट इज इनकम इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस एक्सपोर्ट माइनस इनकम का फायदा, दैट इज x माइनस m. ओके, होपफुली ये आपको समझ में आएगा. सो इज देयर एनीबडी जिनको कुछ मतलब प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूरे के पूरे. अभी तक हमने इतना देखा है
अगर आपको याद है तो हमने ये देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद देखा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब हम कौन से थियोरीज पढ़ेंगे और कौन से पॉलिसीज देखेंगे। उसके बाद हमने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखा, और उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा। ओके, होपफुली आप, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है? एनीबडी, आपको समझ में आ रहा है? यस। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम कि मुझे ये कुछ थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है या फिर ऐसा कुछ? ओके, ठीक है, आप जब मुझे नहीं बता रहे, अगर आपको फिर से पढ़ने में, मैं जब आपको भेजूंगी पीडीएफ तो प्लीज पढ़ लेना वो सब, और कुछ भी समझ में नहीं आया उसमें प्लीज आस्क मी, आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं, क्लासरूम, व्हाट्सएप, या फिर मेल पे, या फिर यूट्यूब पे, जो भी मैं आप बता रही हूँ फोर सेक्टर वाला प्रॉब्लम है, डोंट वरी, मैं आपको एक बार एक लिंक भेजूंगी, और उसके बाद एक एक्सेस वाली मैंने फाइल जो बनाई है आपके नोट्स के लिए वो भी पीडीएफ भेजूंगी। अगर फिर भी शायद समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ।